कलम की जगह आयरन रॉड, कंप्यूटर की जगह लोहे की लाठी और रॉड। ए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जब बच्चे सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगा। जेएनयू और कंट्रोवर्सी का नाता काफी पुराना है। जेएनयू में हॉस्टल फीस वृद्धि के बाद से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कल जेएनयू में जो घटना घटी उसके बाद जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में है। शिक्षा का केंद्र होने के बाद भी जेएनयू शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों के बजाय राजनीतिक गतिविधियों और कुछ असामाजिक गतिविधियों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रहता है। इस बार जेएनयू में हुई घटना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि पढ़ाई, लड़ाई और सियासत से जुड़े कई सवालों को जन्म देने वाला भी है। नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। दिन की सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं, श्वेता भट्टाचार्य। जेएनयू में हुई हिंसा के बाद लेफ्ट समर्थित छात्र संगठन और बीजेपी के सपोर्ट वाली एबीवीपी एक दूसरे को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि दोनों ही गुटों के दावों की पुष्टि फिलहाल तो नहीं हुई है। ये सभी जानते हैं कि छात्र जीवन का हिस्सा होती है छात्र राजनीति, लेकिन जेएनयू में हुई ये घटना देश के तमाम यूनिवर्सिटीज के ऊपर सवाल खड़े करती है। ये कैसी राजनीति है, कौन है इस राजनीति का मास्टरमाइंड, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की सियासत आखिर कर कौन रहा है, क्या हिंसा कभी छात्र आंदोलन का हिस्सा हो सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे अपने शो पढ़ाई लड़ाई और सियासत में। लेकिन चलिए सबसे पहले रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। जेएनयू की ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए बीती रात का वो राज जब जेएनयू में नकाबपोश बदमाशों ने यूनिवर्सिटी पर हमला किया। करीब आधे घंटे तक 40 से 50 नकाबपोश गुंडों ने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बवाल मचाया, रास्ते में आने वाले हर छात्र को कुचल दिया। और ये सब कुछ वही हुआ जहाँ छात्र इस उम्मीद से जाते हैं कि उनका भविष्य बेहतर होगा। मारपीट की इन तस्वीरों ने एक बार फिर जेएनयू को सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। छात्रों का इल्जाम है कि नकाबपोश गुंडे एबीवीपी के थे और उनके निशाने पर थी जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्षा आयशी घोष, जो सेमेस्टर के लिए होने वाले रजिस्ट्रेशन के लिए जा रही थी, लेकिन शायद गुंडों को ये मंजूर नहीं था। जेएनयू में हुए बवाल के खिलाफ अलग अलग शहरों से आवाज भी बुलंद हुई। एएमयू में छात्रों ने जेएनयू के लिए आवाज उठाई। मुंबई की सड़कों पर भी सवाल उठे। बहुत खराब लोग हैं ये, सब बाहर से आए हैं लोग, इन्होंने करा है सब। कुल्हाड़ी और सरिया थे इनके हाथ के अंदर, मैंने खुद देखा है आंखों से। जेएनयू के अंदर ये जो है एक पूरी तरीके से प्रायोजित हमला था। व्हाट्सएप जो है चैट वायरल हो रही है, एक ग्रुप के अंदर बाकायदा तय किया गया है कि हमें जो है 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद जेएनयू हॉस्टल के अंदर जाना है और वहां पे जो स्टूडेंट्स यूनियन के जो अध्यक्ष या उनकी जो चीफ थे उन पे हमला किया गया है। ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जब बच्चे सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगा, इसका मतलब है कि पुलिस हमारी तमाशाई बनी हुई है। दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने जेएनयू में हुई हिंसा पर हल्ला बोला। जेएनयू में हुए बवाल पर अब सियासी सवाल भी उठने लगे हैं। छात्रों के जख्म पर अब सियासत अपना नमक लेकर इकट्ठा हो गए हैं। छात्रों की लड़ाई में अब नेताओं को सियासी फायदा नजर आने लगा है। यूनिवर्सिटी के हंगामे पर अपना वोट बैंक चमकाने के लिए सियासी दल निकल पड़े हैं। मोदी जी और अमित शाह जी, देश के छात्रों और युवाओं को इतना परेशान और उत्पीड़ित मत कीजिए कि पूरा देश आपके सामने खड़ा हो जाए। गुंडों पर लगाम लगाइए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए, वरना देश के भविष्य का क्या होगा। भारत के दारुल हुकूमत कैपिटल में इस तरह की गंदी हरकत की जाती है और 1.5 घंटे तक पुलिस हरकत में नहीं आती, अपने चेहरों को छुपाकर नकाब लगाकर लाठी रॉड्स के साथ अंदर घुसकर स्टूडेंट्स पर हमला करते हैं, एक खौफ और दहशत का माहौल 1.5 घंटे तक पैदा करते हैं। बीजेपी सरकार किसी भी कैंपस पर
उनकी नीतियों का विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उसका ये नतीजा है। और आप इस प्रकार स्टूडेंट्स की आवाज को दबा नहीं सकते। जेएनयू के हंगामे के बहाने अब विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है और इस मामले पर बीजेपी कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, किसी भी जो शिक्षा संस्थान है, कोई विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई कॉलेज हो, इस प्रकार के विवाद का कोई औचित नहीं है, इस प्रकार के विवाद नहीं होने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, शैक्षिक संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। इससे हमारे जितने भी छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ता है, उनकी प्रगति पर असर पड़ता है। मैं आशान्वित हूँ, आशावादी हूँ कि राजनीति का अखाड़ा और राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल छात्रों को नहीं किया जाएगा। कि जेएनयू की स्थिति बहुत ही बड़ी क्रिटिकल दिख रही है, जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हो रही है और जो तरीका है हिंसा का, शॉल ओढ़ना, पत्थर जिताना, मुंह बांधना, फिर आना, अचानक अटैक करना, रॉड से मारना, एक प्रकार से आप एक आतंकी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए चाहे जो भी। जेएनयू के बवाल के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली की पुलिस की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन जेएनयू में हुई हिंसा का असर अब यूपी के शहर शहर में भी नजर आने लगा है। सुरक्षा के लिहाज से एएमयू में पुलिसिंग बढ़ा दी गई है और हिफाजत के इंतजाम कर लिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से एक कंपनी आरएफ, दो कंपनी पीएसी, इसके अलावा वाटर कैनन, फायर ब्रिगेड और सिविल पुलिस, लेडीज पुलिस, सभी को अलर्ट तैनात किया है। जेएनयू में जो कुछ हुआ उसमें सोची समझी साजिश नजर आ रही है। नकाबपोश गुंडों ने घंटों तक मनमानी की, छात्रों को बुरी तरह पीटा गया और वही पुलिस जो बिना इजाजत जामिया यूनिवर्सिटी में घुस गई थी, इस बार तमाशा देखती रही। लेकिन पढ़ाई, लड़ाई और सियासत के इस खेल में भविष्य छात्रों का ही बर्बाद होता नजर आ रहा है और वोट बैंक नेताओं का भरता दिखाई पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV। रिपोर्ट के जरिए आपने जेएनयू में हुई घटना तो जान ली और किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आए वो भी आपने सुन लिए, लेकिन अब R9 टीवी कुछ सवाल खड़े करता है। जेएनयू में सुरक्षा के पूरे इंतजाम क्यों नहीं थे? हिंसा के दौरान क्यों खामोश रहा पुलिस प्रशासन? 100 फोन किए गए थे लेकिन उसके बावजूद देरी से पहुंची, जब तक पुलिस पहुंची चीजें, कांड घट चुका था। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की सियासत क्यों की जा रही है? एबीवीपी पर लग रहे आरोपों का सच क्या है? मारपीट करके किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं छात्र? यूनिवर्सिटी में हिंसा का जेएनयू प्रशासन कितना जिम्मेदार है? क्योंकि जेएनयू प्रशासन का भी फेलियर ये है कि इस तरीके से हिंसा हो जाती है और प्रशासन उस वक्त कर क्या रहा था? पुलिस को एंट्री लेने के लिए प्रशासन से अनुमति की जरूरत होती है, यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकती पुलिस। पिछली बार हमने देखा था कि कई बार इस पर भी ड्रामा हुआ था, तो बताया जा रहा है पुलिस जो देरी से पहुंची कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से प्रशासन से पहले उन्हें गो अहेड मिलता उसके बाद। तो चलिए तमाम गेस्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं, इन्हीं से जवाब चाहिए हमें। बीजेपी के लीडर देवेंद्र प्रमुख इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वहीं कांग्रेस के लीडर हरीश भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सपा के लीडर संजीव चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में परविंदर सेठी और अजय शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देवेंद्र जी आपके पास ही, क्योंकि एबीवीपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सच्चाई क्या है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन है ये बता दीजिए। पुलिस देर से क्यों पहुंची, क्या देरी की वजह रही, इसका जवाब भी दे दीजिए। देखिए सुमिता जी, सबसे पहले तो जवाब देने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है कि सब आपके सामने है। सुबह से मीडिया तो चला ही रहा, लेकिन रात से ही सारी खबर जो है वो डोर टू डोर सबके पास है इस समय। और वहाँ जो झगड़ा है, जिस तरीके से आपने अभी अपने उसमें व्यक्तियों में जिक्र भी किया पीछे, कि वहाँ पीछे अगर जब पुलिस गई थी अपनी मर्जी से और जाके अपने कॉल के अनुसार वहाँ कार्रवाई की गई, तो पूरे देश के जितने भी नेता इकट्ठे होकर जिस काम को आज कर रहे हैं, जिसको अब कर रहे हैं, वही काम किया था कि पुलिस ऐसे कैसे घुस गई। तो हो सकता है 10-5 मिनट वहाँ लेट पहुँची हो, क्योंकि उन्हें परमिशन लेनी थी
कानूनी रूप से संविधान के अनुसार उन्हें उसी तरीके से अंदर घुसना था। और इस बीच में ये जांच का विषय है, सरकार ने इतनी तत्परता इसमें दिखाई है कि वहां के जितने भी तीनों मैन जो उनके कॉलेज के जेएनयू के पदाधिकारी हैं उनके, उनको तलब कर लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और सीसीटीवी के माध्यम से, और सरकार का जितना काम उसे पारदर्शिता के साथ पूरा कर रही है। वहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हरीश भारद्वाज, क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस जवाब से? एबीवीपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, सिरे से नकार दिया यहां देवेंद्र जी ने कि जांच चल रही है कहके। श्वेता जी, जिस प्रकार से अखिल भारतीय गुंडा परिषद के लोगों ने जो जवाब जेएनयू के ऊपर जिस प्रकार से एक आतंकवादी हमला किया है। नहीं नहीं सर, आप नाम तो कम से कम वही लीजिए, आपको उसके बाद बोलना हो सकता है कि अभी जो अगर गुंडे और पाकिस्तान की उसकी बात करते आतंकवाद की, तो आतंकवाद तो आपने जवाब दे लीजिए। आतंकवाद मचा रखा है की जो जवानों की आंख फोड़ दी आप लोगों ने, और आपके लोग कह रहे हैं कि आप पे मुकदमे अगर दर्ज हो जाएंगे तो चिंता मत करो, हमारी सरकार जिस दिन बदलेगी हम तो मुकदमे हटा देंगे आपसे। सड़क पे जाइए, जवाब तो देने दीजिए। नहीं नहीं, आप जवाब तो देने, आपने तो दिया नहीं ना सर, वो भी चलाइए। देवेंद्र जी, आपने तो कह दिया जांच हो रही है, कह के पल्ला झाड़ लिया ना, बिल्कुल कह रहे हैं प्लीज। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए मेरा शो है और मैं नहीं चाहूंगी कि आप गलत तरीके से नाम कोट करें, नाम सही कोट कीजिए। गलत तरीके से जब आतंकवादी कहा जा रहा छात्रों को, देवेंद्र जी उस पर तो मुझे तो जवाब देना ना। चलिए, ये छात्र है या कुछ और, यही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं सर। छात्र आंदोलन कभी ऐसा नहीं होता, यहाँ बैठे पैनलिस्ट भी बताएंगे, ये छात्र आंदोलन हो ही नहीं सकता। मैंने किसका नाम लिया है? मैंने कहा गुंडा परिषद। गुंडा परिषद वो लठेत जिन्होंने सर्वप्रथम जेएनयू के अंदर आकर के नकाबपोश होकर के और सबसे पहले सीसीटीवी को तोड़ा, उसके बाद वहां के अरे प्रधान प्रमुख साहब, प्रमुख जी हमारी बात को थोड़ा सब्र लेकर इतना बेसब्र मत हुई, आप ही बोलते रहेंगे, दूसरे को मौका नहीं देंगे आप। देखिए जिस प्रकार से इन्होंने गुंडागर्दी की है, और ये सारी गुंडागर्दी पुलिस के संरक्षण में और सरकार के संरक्षण में की गई है, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जब दिल्ली की सरकार के अंदर गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऐसी परिस्थिति में नकाबपोश 50 लोगों की वो भीड़ और आकर के जेएनयू पे आक्रमण कर दे, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री के हाथ में नहीं है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो गुंडा वहां पर घुसे हुए थे वो कौन लोग थे जिन्होंने कि पुलिस के संरक्षण में यहां पर आतंक मचाया था, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी, पुलिस उनको संरक्षण दे रही थी, उनको आने जाने की पूरी उन्होंने प्रोटेक्शन दी है, और वहां का जो एसएचओ था ऐसा संज्ञान में आया है कि वो एसएचओ उनको प्रोवोक कर रहा था, पुलिस पे पथराव हो रहा था, वहां के गुंडे, वहां की पुलिस, वहां पे गुंडे, वहां के लोगों के नेता बच्चों को, बच्चों को, निर्दोष बच्चों को मार रहे थे, क्या गुंडागर्दी है? और ये गुंडागर्दी देश में, इस देश में चलने वाली नहीं है, ये गुंडागर्दी देश में चलने वाली नहीं है, ये गुंडागर्दी चलने नहीं है। आप ये आप लोग हिंदुओं को मार रहे हो, आज यहाँ पर भरोसा नहीं, 90% लोग हिंदू मारे गए, हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया है, ऐसे हिंदू और मुसलमान ये हिंदू बच्चे नहीं थे, ये हिंदू बच्चे थे, ये दलित बच्चे थे, ये गरीब बच्चे थे, जिनको मार रहे हो, जिनको पकड़ रहे हो, ये कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था का शासन करता भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कानून व्यवस्था को सिर्फ सिंगल और सिंगल मुस्लिम लड़ाई लड़ रहे, तब मुस्लिम को भी हम ही बचा रहे। प्लीज 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 कंटिन्यू, जो अच्छा मुस्लिम प्लीज कंटिन्यू करने दीजिए। देखिए इन्होंने हिंदू बच्चों को मारा है, इन्होंने दलितों को मारा है, वहां पर बोल लिया ना हरीश जी, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, सरकार चुप थी और ये कहीं ना कहीं प्रायोजित तात्पर्य देवेंद्र जी, देवेंद्र जी सुन लीजिए, ये कैसी हरीश जी, हरीश जी मैं आपके बातों को कोट कर रही हूँ, मुझे डिबेट आगे ले जानी है, क्योंकि देखिए ऐसे नहीं कीजिए, आज एक कुछ टॉपिक लेके बैठते हैं सर, तो दर्शकों को भी कम से कम सुनने तो दीजिए कि आप लोग क्या कह रहे हैं। तो प्लीज आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि ये प्रायोजित था, सरकार मूक दर्शक बनकर, एक मिनट मैं आप ही के शब्दों को कोट कर रही हूँ, जेएनयू के ऊपर आतंकवादी हमला, एनएसयूआई का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेफ्ट विंग का दूर दूर तक लेना नहीं, तो एक जिक्र कर देती हूँ सर,
ये भी कोटेड है, 3 जनवरी को रजिस्ट्रेशन जब शुरू होना था और ये प्रोसेस मंडे से शुरू होना था, तो लेफ्ट विंग के लोग और इसमें कुछ NSUI के भी हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि फिर प्रूफ दिखाइए, लेकिन ये भी आप जब कह देना कि मीडिया सुबह से चला रहा है सारी खबरें, तो उठा के देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा सर, कि कैसे रजिस्ट्रार को वहां बिजली बंद कर दी जाती है कार्यालय में घुसकर, और रजिस्ट्रार को और सबको कहा जाता है बाहर जाइए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। देखिए मुद्दा कहां से उठा, मुद्दा कहां से उठा, आप वहां कह रहे हैं कि आप दूसरे छात्रों को भी बोल रहे हैं, नहीं आप दूसरे छात्रों को भी बोल रहे हैं, आप दूसरे छात्र, हाँ तो आएगा ना कॉलेज प्रशासन कराने, एक मिनट, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, देखिए आग अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं ना कहीं लगी है ना, चिंगारी कहां से उठी ये तो देखेंगे। संजीव चौधरी ये जो देवे, एक मिनट देवेंद्र जी प्लीज, तो हजारों की संख्या में, चलिए आप ही का सवाल उठा रही हूँ, आप ही का उठा रही हूँ, एक मिनट ठीक हो गया, ले लिया आपके कमेंट, देवेंद्र जी प्लीज 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 देवेंद्र करती रहेगी उसको हमेशा, देवेंद्र जी मैं कंटिन्यू करूं, बोलिए संजीव चौधरी जी, देखिए आपने दोनों पार्टियों का रिएक्शन सुन लिया, अब देवेंद्र जी का सवाल क्योंकि छिपा हुआ था, जो कोर्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके पार्टी के नेता ने कहा है, आपने कहा सीए के विरोध को लेकर कहा है, लेकिन जिस तरीके से एएमयू में दंगे हमने देखे, नदवा कॉलेज में देखे, पत्थर फेंके जा रहे थे, क्या है सर? अभी स्मृति रानी कह रही थी कि शैक्षणिक संस्थान में राजनीति नहीं होनी चाहिए, कौन कर रहा है राजनीति, क्या ये संरक्षित नहीं है, क्या ये स्टूडेंट विंग संरक्षित नहीं है, क्या संरक्षण नहीं मिल रहा है? आप लोग आपके लीडर कहते हैं सीए के विरोध में जितने स्टूडेंट उतरे चाहे कोई भी, कि भाई आप पुलिस वाले जो डंडे मार रहे हैं उनको चुन चुन के हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे और आप लोगों को पेंशन दिया जाएगा, इस तरह के बयान अगर देंगे तो इससे क्या भड़केगी? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं बड़ी, मुझे दुख है कि प्रमुख साहब ने जो बयान दिया अभी, और निवेदन भी करूंगा प्रमुख साहब, जिस तरीके से आपकी बात सब लोगों ने सुनी आप भी सुने, और किसी की बात तब काटें जो गलत हो, तो मुझे बड़ा दुख है कि इन्होंने, देखिए प्रमुख साहब सुनिए, आपको सुना, आप भी तो गलत बोल रहे थे, आपको ना तो श्वेता जी ने टोका ना किसी और ने टोका, आप भी तो सरेआम गलत बोल रहे थे, आप कैसे सच बोल, देवेंद्र जी एक मिनट, प्रमुख साहब आप उनका जवाब, अच्छा ठीक है ना, मैं आपको मौका दूंगी सर, मैं सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में, देवेंद्र जी देवेंद्र जी का जवाब मुझसे बनता है तो सुनने की क्षमता रखिए, नहीं बस हो गया, आप मुझे तो बोल दीजिए, संजीव जी अपनी बात रखिए, चलिए जनता को बताना तो दीजिए आप, देवेंद्र जी प्लीज, हो गया ना, मैं बहुत तेज बोल सकता हूँ, संजीव जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए सबसे शर्म की बात तो यह है, सबसे शर्म की बात तो यह है, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए कह रहे हैं कि वहां पे जो है पुलिस के पिटाई करते हैं इसलिए पुलिस वहां नहीं जा रही जी। इसका मतलब जहां पुलिस की पिटाई होगी, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, अरे आप दोबारा निकाल लीजिए, आप सब हर चीज को आप अपने लिए मानने जा रहे हैं, आपने कहा सब सबने देखा है, तो आप लोगों ने कहा था, आप बोलिए तो बोलते रहो, तो आप ही बोलते रहो, मैं बैठा हूं, बोलते रहो आप बोलते रहिए, एक घंटे पुलिस के संरक्षण में वहां पर उन आप बोलते रहिए, मत बोलने दीजिए, वहां पे नंगा नाच बता नहीं दोगे, आप शर्म आनी चाहिए, जब कोई बोले तो वो देखिए, मुझे बड़ा दुख है कि अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि यदि वहाँ पुलिस की पिटाई हो रही थी इसलिए पुलिस वहाँ नहीं पहुंची, पिछली बार पिटाई हो गई थी इसलिए अब की बार पुलिस नहीं पहुंची, इससे ये जग जाहिर है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का फेलियर है, गृह मंत्री जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अंडर में ये पुलिस आती है, ये आपने ही स्वीकार कर लिया कि पुलिस इसलिए नहीं गई वहां, इसका मतलब एक मिनट, कहने से थोड़ी हो जाएगा, अरे मेरे कहने से नहीं, आपने कहा ना, दूसरी बात, दूसरी बात, दूसरी बात, आप देखिए, दूसरी बात, पुलिस पर गोलियां चलाई,
अलीगढ़ जेएनयू में घटना घटती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, इससे क्या माने हम? इससे क्या माने? क्या संरक्षित स्टूडेंट विंग काम नहीं करते? संजीव जी कैसे दे पाऊंगा? संजीव जी आप बताइए मुझे, जब मैं बोलूंगा संजीव जी कम टू द पॉइंट, बोलने कहाँ दिया गया बताओ, मैंने क्या कहा? आप बोलिए ना मेरे सवाल का। बरखत रेहान, कब करेंगे आप? एक मिनट बोल लेने दीजिए। नहीं, मैं बोलने की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ मैं आऊंगी आपके पास, डिस्कशन करिए, बहुत अच्छी बात है, सुझाव दीजिए, समाधान लाइए, लेकिन मुद्दे को राजनीतिकरण मत कीजिए। एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात सुन लीजिए, यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें लॉ बनाने हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने संरक्षण दे रखा है स्टूडेंट विंग को। क्या छात्र आंदोलन में छात्र राजनीति में आंदोलन नहीं होते हैं? क्या छात्र एक अगर यूनिवर्सिटीज में छात्र राजनीति नहीं होती? ऐसा कोई इंसान अछूता नहीं रहता है, लेकिन आज छात्र राजनीति ने कौन सा रूप ले लिया है, कौन सा रूप अख्तियार कर लिया? ये स्टूडेंट है क्या जो इस तरह से दंगा कर रहे हैं, रॉड लेके मारपीट कर रहे हैं? और क्या स्टूडेंट हम कहेंगे, क्या हम कहेंगे बिना संरक्षण के? मेरा सिंपल सा सवाल, मैं तमाम तीन पॉलिटिकल पार्टी यहां बैठी है, मैं इनसे इसीलिए ये सवाल का जवाब लेना चाहती हूं कि एक स्टूडेंट, मैं भी अपने छात्र जीवन की बात कर लूं तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ सकती बिना किसी संरक्षण के कि मैं जाके इस तरीके से हिंसात्मक कार्रवाई करूं या आंदोलन में शरीक हूं, क्योंकि मुझे अपनी भविष्य की चिंता है। इनको तो भविष्य की भी चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि ऊपर से हाथ है। तो मैं समझना चाह रही हूं कि किसका हाथ है, कहां तक हाथ है। यहां जेएनयू में दंगा होता है, यहां मारपीट होती है, एएमयू की सुरक्षा क्यों बढ़ाई जाती है? यहां कौन संरक्षण दे रहा है? कौन स्टूडेंट्स विंग को भड़का रहा है? कौन राजनीतिकरण कर रहा है? सारे पॉलिटिकल पार्टी ये कह रहे हैं कि राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, कौन बना रहा है? संजीव चौधरी कौन बना रहा है? जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग इस तरीके की घटनाएं पूरे देश के अंदर करा रहे हैं, जहां जहां ये चुनाव आते हैं वहीं वहीं ये इस तरीके की घटनाएं कराते हैं, और बड़े दुख की बात है। और सिर्फ जेएनयू में होती है, केवल सिर्फ जेएनयू में, केवल क्योंकि जेएनयू में इसलिए होती है। मैडम आपको बता दूं कि वहां ये मोमडन और हिंदू कराना चाहते हैं। अच्छा, इनका मकसद, इनका मकसद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, आपने 10 मिनट बोले, मैं बोला आपके बीच में, आप बार बार बोल जाते हो, आप बताने ही नहीं दोगे। बोलिए नहीं संजीव, जब आप बोले किसी ने नहीं रोका आपको, और जब से मैं बोल रहा हूँ तब से रोके जा रहे हैं, कैसे बताओ? मुझे बात तो रखने दो, इसका मतलब जो आप बोल रहे हो सच बोल रहे हो? ये कैसे माने हम कि आप सच बोल रहे हो? अरे आपके गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। कितनी बड़ी, कितना बड़ा हादसा हो गया। अरे वो काम किया है, हमारी पुलिस सारा देश गर्व कर रहा है, पुलिस पिट गई थी। आपके नेता वो काम कर रहे हैं जिस पर सारा संविधान हो रहा है। कार्रवाई कीजिए, कोई भी हो चाहे वो, तो कार्रवाई तो हो रही है ना, कार्रवाई हो रही है ना संजीव जी, प्लीज ऐसे सब एक साथ बोलेंगे तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, और यही चाहते हैं पैनल। आप हिंदुस्तान के सारे स्कूल बंद कर दीजिए, सारे कॉलेज बंद कर दीजिए, बेरोजगारी बढ़ रही है, न तो कोई रोजगार मांगने वाला होगा, न कोई नौकरी होगी आपको। प्लीज क्या कर रहे हैं आप लोग, एक को बोल रही हूँ कि सुन लीजिए सर, आप लोगों ने बोल लिया।
लिया ना, आप बोल लिए ना, दूसरे बैठी है ना, कोर्ट करेंगे सर। बस देवेंद्र जी बस, आप जाइए, बस मैं जा रही हूँ, हम सुने, मैं जा रही हूँ, आप प्लीज जाइए। बरखत रेहान, बात सिर्फ जेएनयू की नहीं है, जेएनयू मैंने अपने एंकर इंट्रो में भी ये बात कही, जेएनयू का जब जब जिक्र हुआ है, ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी से ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स नहीं निकले होंगे जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मेरे जहन में जब भी जिक्र आता है वो 2000 हो, 2010 का किस्सा हो, 2016 का किस्सा हो, और अभी 2019 और 20 में जो हमने देखा, और सभी में देख लीजिए कथित तौर पे ये बार बार कहा दिया जाता है, कोटेड एंड अनकोटेड, कथित तौर पे जब दंतेवाड़ा में जवान मारे जाते 76 तो यहां पे सेलिब्रेशन मनाया जाता है, ये कैसी राजनीति है? क्यों ये सवाल भी सही है, क्या एक जेएनयू को बंद कर देने से क्या सारी यूनिवर्सिटी सुधर जाएंगी? इस तरह की मानसिकता को क्या खत्म करने की जरूरत नहीं है? बरखत रेहान, जो ये राजनीति कर रही है, समझिए कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सिर्फ जेएनयू ही क्यों ऐसा अड्डा बनता जा रहा है? वहीं पे ऐसी हरकतें क्यों हो रही है लगातार? टुकड़े टुकड़े गैंग सारे वहीं से क्यों क्यों आवाजें उठती है? इंशाल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, टुकड़े गैंग जो है ना, क्यों वहीं पे ऐसी क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हम आरोप प्रत्यारोप न लगा करके सिर्फ इस समाधान ढूंढे, और समाधान अभी 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 समाधान का मैं बहुत कड़ा प्रतिवाद करता हूँ। हम यूनिवर्सिटी को बंद कर देंगे, जितनी यूनिवर्सिटी बंद करोगे कितने जालिम हो जाओगे आप, कितना सारे विश्वविद्यालय आपका लोन चल रहा है, वो वेस्ट हो जाएगा। ये बड़ी के ऊपर जो इस देश में टुकड़े टुकड़े के केवल भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोग कह रही हैं, बस 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 प्लीज 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 देवेंद्र जी और हरी जी विचारधारा, वो टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा, बस बस विश्वेंद्र जी, बरखत रेहान जो कह रही है, देखिए हम एक मिनट हरीश जी, लेट मी कंटिन्यू विश्वेंद्र जी, ये हम कई बार भावनात्मक रूप से जब हम ये होते हैं कि इस तरह की हिंसा हो रही है, बार बार घटनाएं हो रही है, तो हम ये कहते हैं, और मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बरखत रेहान की ये सोच हो सकती है, लेकिन कितनी यूनिवर्सिटीज को बंद करेंगे? जेएनयू इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, लेकिन कुछ लोगों ने हाथ में लेके इससे इसकी प्रतिष्ठा जो है वो गवा दी। विश्वेंद्र जी सभी पैनल्स कृपया ध्यान दें, आज बहुत दुख का विषय है, ये छोटी घटना नहीं देश के लिए, आज देश में शिक्षा के मंदिर पर जिस प्रकार से हमला हुआ है वो किसी ने भी किया हो, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है पहला कदम सख्ती से उठाए, कोई भी उनके चेहरे स्पष्ट करे जल्दी से जल्दी। और दूसरा दूसरा बरखा जी, मैं माफी चाहूंगा, जरूर एक बार एक मिनट चाहेंगे, दूसरा आपका जवाब दूंगा, दूसरा ये भी ध्यान दें कि अगली घटना ना हो जाए, कोई बड़ी घटना ना हो जाए, आप लोग यहाँ बड़े जोश में हैं, युवा जोश देखे वो आपसे ज्यादा है, ऐसा ना हो कोई बड़ी घटना आपके सामने देखने को मिले, उसको उकसाया ना जाए, और प्रार्थना यह है कि उसको ध्यान दे सरकार सख्ती से निपटे, और जो पक्ष है उसकी जिम्मेवारी बनती है उसमें अच्छाई से ध्यान दे और सही दिशा लाए, विपक्ष ध्यान दे कि अपनी जिम्मेवारी को समझे, छात्र को उकसाना, शिक्षा का मंदिर शिक्षा के लिए बना है, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है शिक्षा, और अंधेरे में इतने प्रकार के काम हो रहे हैं, तो उसे बचना और बचाना जिम्मेवारी बनती पक्ष। अजय शर्मा, विश्वेंद्र जी की बातों से कितना आप सहमत हैं? और सवाल ये भी उठता है कि देखिए, जब हम जो भी चीज आज के दौर में हो रही है वो कल इतिहास बनेगी, ये चीजें जिस तरह से शिक्षा का भी हम कह लें कि राजनीतिकरण, ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, दर्शकों को बता दें कि देखिए जेएनयू में हुई घटना के बाद किस तरह से प्रोटेस्ट मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन चलिए हम डिबेट कंटिन्यू रखेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। अजय शर्मा जी, पहली बात तो कितना सहमत है विश्वेंद्र जी की बातों से, और ये जो शिक्षा के मंदिर को, यूनिवर्सिटीज को, जो प्रतिष्ठित हैं यूनिवर्सिटीज, उसके गौरव को धूमिल किया जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति का एक अड्डा बना दिया जा रहा है, ये
कल के लिए कितना घातक होंगी, क्योंकि कल स्टूडेंट शायद पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में नहीं जाएंगे, इस तरीके से हिट होने के लिए जाएंगे। देखिए श्वेता जी, मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूँ। BHU के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने एक लेख लिखा था छात्र और राजनीति, उसमें उन्होंने लिखा था कि जब तक राष्ट्र के ऊपर कोई बड़ा संकट ना हो, छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। आज की जो मौजूदा स्थिति है वो वही है कि छात्र जो है राजनीति में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, हम एक बहुत ही बहुलतावादी समाज के अंदर रहते हैं जहाँ पर हर स्टूडेंट्स का अपना कोई ना कोई विचार है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति से उसका एक राजनीतिक विचार बनता है और राजनीतिक विचार बनने के बाद वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, जिसके फेवर में काम करता है, बात करता है। इसके अलावा जो हमारे राजनेता होते हैं या जो भी लोग होते हैं उनको लेकर अपने एक राय कायम करता है और कानून बनाने वालों लेकर भी राय कायम करता है। जो अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है जिस तरीके से वहाँ हुआ है, मैं इसको एक पॉलिटिकली समझने की कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक राजनीतिक मोहरा बना दिया गया है। जब से हमने ये देखा कि 18 साल उम्र कर दी गई वोट देने की, 18 साल से लेकर 25 साल तक का जो स्टूडेंट्स होता है वो इतना समझदार नहीं होता, मैच्योर्ड नहीं होता कि वो किसको वोट देने जाएगा। जबकि छात्र राजनीति जो होती है कैंपस की बेसिक बुनियादी चीज़ों को लेकर होती है कि हमें कैसे टीचर चाहिए, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कैसी लैब चाहिए, क्या सुरक्षा के वहाँ होना चाहिए। लेकिन उससे उठकर जब वहाँ पर पॉलिटिकली लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बाहर से शह देना शुरू करते हैं, तब इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। पॉलिटिकल तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बिल्कुल सभी इन्वॉल्व है, बिल्कुल मैं इसका संरक्षण नहीं दे रखा है। बिल्कुल, देखिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे भारतीय सिनेमा में ऐसी 2-3 फिल्में आई हैं जिनका मैं जिक्र कर देता हूं, शायद हमारे साथियों ने देखी हो। नागार्जुन की आई थी शिवा, जिसके अंदर दिखाया था एक सीधा साधा लड़का कॉलेज पढ़ने जाता है, किस तरीके से जो है वो क्या बन जाता है। ठीक है, गुलाल फिल्म भी आई थी वो भी हमने देखा, हमने रंग दे बसंती आई वो भी हमने देखा। यानी कि आप जिस तरीके से इसको एक बनाते जा रहे हैं, अब जो JNU का मसला है, JNU का मसला पिछले काफ़ी समय से बढ़ती हुई फीस को लेकर उठा कि भाई आपने फीस क्यों बढ़ा दी, आपने ऐसा क्यों किया। अब जो अभी लेटेस्ट मुद्दा है कि एक ये लेफ्ट और ABP की बात हो रही है, मैं यहाँ पर दो गुटों की बात करता हूँ। एक गुट जो पढ़ना चाहता है, अप्लाई करना चाहता था, लास्ट सेमेस्टर था, उसके लिए उसने कहा, उन्होंने कहा ठीक है हम ऑफलाइन जाएंगे, लेकिन आप इन सर्वर रूम में अगर तोड़फोड़ करते हैं, इंटरनेट को काट देते हैं, वहाँ पर काम नहीं होने देते हैं, तो बच्चे करेंगे क्या, उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे, उनको अपना भविष्य जब अंधकार में दिखाई दिया तो एक संघर्ष शुरू हुआ। उस संघर्ष को किस तरीके से एक ड्रामेटिकली बनाया गया, उसको एकदम वायलेंट कर दिया गया, उसके ऊपर एक राजनीति शुरू हो गई, इतनी सारी बयानबाजी आनी शुरू हो गई। बात तो यही है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक विंग ने ही केवल काम किया हो, बिल्कुल मैंने वही कहा, बिल्कुल गांधी जी के तरीके पे चल रहा हो। अरे भाई, एक छोटी सी बात है, मैं अगर कहीं किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या आप पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ता है, कुछ बच्चा को रोकते हैं, भाई तुम एग्जाम नहीं दोगे, तुम फॉर्म नहीं भरोगे, वापस चले जाओ जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, भाई तुम किसी को पढ़ने से कैसे रोक सकते हो। ये जो ये देखिए जवाब देंगे, और देखिए देखिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आप विशेषज्ञ के तौर पे बैठा रहे इतने मजबूत लोगों को, उनके सलाह नहीं लोगे तो बिल्कुल लूंगी, देखिए बिल्कुल लूंगी, उनको कह तो लेने। श्वेता जी, जिस तरीके के हालात है, एक जन आंदोलन बनाने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स के थ्रू, जैसे कि JP का आंदोलन था, मंडल कमीशन था, बिल्कुल, और दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद बिहार में चुनाव है, यानी कि सारा सब कुछ जो सियासीकरण, सियासी पार्टियां अपना फायदा देख रही हैं, सियासी फायदा देख रही हैं। ऐश्वर्या अवस्थी अभी हमारे साथ जुड़ी हैं, परविंदर सेठी मैं आपके पास आऊं क्योंकि वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। डॉक्टर ऐश्वर्या अवस्थी हमारे साथ जुड़ी हैं। ऐश्वर्या, आपको क्या लगता है, भविष्य के साथ तो स्टूडेंट के खिलवाड़ हो रहा है, ये आपने, आप यूनिवर्सिटी की क्योंकि प्रोफेसर हैं, आप तो अंदर की राजनीति भी देखती होंगी कि किस तरह से स्टूडेंट विंग जो है वो काम करते हैं, जो एक राजनीति जो है वो केवल कैंपस के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन अब हर एक मुद्दे पर जो बाहर मुद्दे चल रहे हैं उससे भी अफेक्टेड होती है कहीं ना कहीं कैंपस की राजनीति, तो ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिरकार कौन कर रहा है, आपके नजर में, आपकी नजर में अगर मैं बात करूं तो कौन कर रहा है सियासत। देखिए, मैं जो JNU में पिछले 2-3 दिन से चल रहा था और जो पिछले कल मुझे दिखाई दिया, उसमें मुझे यही समझ में आया, उसमें मुझे कि जो है इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है और उन्हीं की वजह से ये सब लड़ाई झगड़े अंदर अंदर चल रही है। लगता है कुछ तो शिक्षा के मंदिर में किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के
देखिए जो बात अभी अजय जी कह रहे हैं और बरखा का जो कहना है, हालांकि मैं इससे बिल्कुल मैं कह दूं भावनात्मक रूप में आप कहीं सही हो सकती हैं बरखा, लेकिन यूनिवर्सिटी में ताला लगा देना ये कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब तो सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही है ना। नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये क्यों सरकार इतनी सख्त हो सकती है? ऐश्वर्या आप यूनिवर्सिटी क्लोज नहीं कर सकते परविंदर सेठ जी, बट आई नीड योर ओपिनियन परविंदर सेठ जी। इसका मतलब तो पक्ष विपक्ष और पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं रहा ना। आप अगर यूनिवर्सिटी में ताला लगा रहे हैं तो सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार आखिर बैठी किस लिए है, क्यों आज हम कहां देखे बरखा प्लीज। नहीं 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 ये कोई ये मेरे हिसाब से मैं कह रही हूँ, मैं बार बार कोट कर रही हूँ, मेरे हिसाब से ये कोई समाधान नहीं। परविंदर सेठ जी आई नीड योर ओपिनियन। इस परिस्थिति में बोलना बहुत ही मुश्किल है। मैं अपने साथियों से ये कहना चाहूँगा कि एक डिबेट की कॉर्म होती है, एक मर्यादा होती है। हम सात लोग यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम दूसरे के विचार सुन सकें। हम सात लोग नहीं सुन रहे, यहाँ पे हमें करोड़ों लोग देख रहे हैं। वो हमारा फेस एक्सप्रेशन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम क्या कहते हैं ये देख के वो फैसला करते हैं कि वो अपना टीवी स्विच ऑफ कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात मैं मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहले तो जो वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ हुआ यूनिवर्सिटी में, मैं उसको बड़े कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूँ, उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसको कंडेम करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आप उसको दंगे का नाम दे रहे हैं, ये दंगा करेक्ट वर्ड नहीं है। दंगा होता है दो पार्टियों के बीच में, दो ग्रुप के बीच में। ये कुछ गुंडों ने और विदाउट पॉलिटिकल शेल्टर, किसी की हिम्मत नहीं है। इसके पीछे कौन सी ताकत है ये सरकार को पता लगाना पड़ेगा और इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होना पड़ेगा। और वहां पे पुलिस पहुंचने में 2 घंटे लगे और उनको पूरी तरह से उनको मारने की आजादी दी गई। और एक जो एक विद्या का मंदिर है, जो एक यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं, वहां पे जिन लोगों को एडमिशन मिलता है वो मेरिट पे आते हैं। यहां पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल से एडमिशन मिलता है, जो मेरिट पे स्टूडेंट आते हैं, जो एक बिल्कुल थोड़ी सी फीस के ऊपर अपनी ग्रेजुएशन करके लाखों रुपए की सैलरी पाते हैं, और बाकी बच्चे जो करोड़ों रुपया बच्चों का लगा के भी कहीं नहीं पहुंच पाते। उस यूनिवर्सिटी का नाश करने के लिए कहीं ना कहीं, मैं हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मैं यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, पंजाब की यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, वहाँ पे एक परिंदा पर नहीं मार सकता। यूनिवर्सिटी के अंदर, हॉस्टल के अंदर, तो ये तो बात उठती है ना कॉलेज प्रशासन के ऊपर, यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, आपका फेलियर है पूरी तरह से, आपको पता ही नहीं कि कहां से घुस गए। जो अजय जी ने कहा, मैं उस बात से 1001% सहमत हूं कि छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की है। ये एबीवीपी हो गया, एनएसयूआई हो गया, ये क्यों राजनीतिकरण करते हैं इन शिक्षा संस्थानों का? इनको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, पहली बात तो ये है। वहां पे छात्रों को उनको पढ़ाई करने दी जाए। एक स्टूडेंट यूनियन इसलिए बनाई जाती है कि छात्रों की समस्याओं के लिए, छात्राओं के उनकी सजेशंस लेने के लिए। वहां पे एक राजनीति हो रही है और राजनीति के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक गवर्नमेंट एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाती, और आप उसको बंद करने की बात करते हैं। मैडम मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, आप एक करेक्ट आदमी को अपॉइंट कीजिए, वहां पे एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, हर हालत में सुना किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है, पॉलिटिकल पार्टी सरकार की जिम्मेवारी पड़ेगी कि आप इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं कीजिए कि छात्र राजनीति का स्वरूप ही बदल जाए। गवर्नमेंट इज आंसरेबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, ये उनकी जिम्मेवारी है। देखिए कितनी गहरी बात निकल कर आई है। मैं यही चाहता था कि ये सब चीज निकल कर आए जो एक चैनल पर आए। कहां रहे सर? नहीं, अब मैं बताना चाहता हूं आपको, हमारे जो साथी हैं, मैंने तब भी आपको जो एग्रेसिव होकर बात की है वो तब की है जब मेरे साथियों ने मुद्दाहीन बात की है। सब लोग चाहते हैं कि कॉलेज की स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं दाग दे रहा किसी को, क्योंकि अभी इतने जांच का विषय एक बार चीज होने के, उनके पीछे कोई ना कोई ताकत तो है। लेकिन एक बहुत मोटी सी बात कर रहा हूं, बहुत लोग देख रहे हैं, और परविंदर जी ने बड़ी गहरी बात उठाई है कि राजनीति है। जब कॉलेज में पिछली बार झगड़ा हुआ, जब वहां फोर्स पहुंची, अंदर घुसी, तो उस फोर्स पे सीधी उंगली उठाई,
उसके बाद क्या हुआ, इसका मतलब आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, चिल्ला के फिर सुनना है, चिल्ला के बताऊंगा कैसे बोल रहे हैं आपको, की बात गलत बात बोल रहे हैं, की बात और विशाल परमिशन लेकर इसके लिए पुलिस भी जाएगी और परमिशन के साथ सुनिए, आप पुलिस आपका भी नहीं है, दिल्ली पुलिस होती है, दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, आपका फेलियर है, आपके गृहमंत्री को इसी पर जाना चाहिए, जेल में जा रही चाहिए आपको, आप बीजेपी के लोग टुकड़े टुकड़े किसी की हार देने का वायदा किया था, नहीं तो रोजगार का मुद्दा वहां घुस गया, देखिए कहां से कहां जा रहे हैं, डिबेट कहां है कि पढ़ाई लड़ाई और सियासत लड़ाई के साथ पढ़ाई करेंगे क्या, क्या बात कर रहे हरीश जी, महंगाई क्या बात कर रहे हैं, दो करोड़ लोगों को रोजगार देने से यहां जेएनयू में इसीलिए हिंसा हो गई, क्या बात कर रहे हैं हरीश जी, नरेंद्र मोदी ने सरकार की बात करके डिबेट को दबा दिया, आप लोग मतलब सोच रखा है बीजेपी और कांग्रेस ने, समर्थित तो इन्हीं लोगों के थे, हम तैयार हैं, शादी देने को तैयार हैं, इस देश को देखिए कि एक बोलेगा तो दूसरा बोलेगा, नंबर जैसे हमें नंबर पाने हैं, अपने मुख्यालय में सलिया बोली आपस में है भाई भाई, सब लोग मिलकर रहेंगे, इस देश को टुकड़े नहीं होने देंगे, सब कंटिन्यू, जैसे लोग टुकड़े करना चाहते हैं, सब कंटिन्यू यू पीपल कंटिन्यू, मैं बैठी हूँ सुन रही हूँ, नहीं डिस्कस थिंग्स, नहीं नहीं तो कंटिन्यू करने भाई, ये हमारे दो बड़ी पार्टियां हैं ना, देश को सुनने दीजिए जरा, दर्शकों को समझने दीजिए जरा, उन छात्रों को समझने दीजिए जो इनको फॉलो करते हैं, जरा देखने दीजिए उनको कि सच्चाई क्या है, वो छात्र भी देख ले जो इस तरह की राजनीतिक विचारधारा, जरा देख ले कि किसको फॉलो कर रहे हैं, अंधभक्त मत बनिए, अपने भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इस देश के लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, लेकिन इस देश में निरंतर हो गया मुसलमानों के नाम हो गया हरीश जी, हिंदू मुसलमान कहां से आ गए, मत बोइए इतने गहरी बीज, मत बोइए सर, कर काटना पड़ेगा ना, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा सर, कह दे रही हूँ बिल्कुल, मत बोइए प्लीज, देवेंद्र सर प्लीज, मत बोइए, मासूम है लोग, मासूम है, नफरत के बीज मत बोइए, हिंदू मुसलमान मत बोइए, डॉक्टर अब चले, हो गया सर प्लीज, कभी नहीं पा सकते थे, प्लीज सिर्फ उनका शोषण, डॉक्टर ऐश्वर्या शोषण अगर किसी ने, माफ कीजिएगा की खराबी थी, आवाज सही से नहीं आ पा रही थी, देख लीजिए एक मिनट, देवेंद्र जी प्लीज, जितना बुद्धिजीवी वर्ग मुस्लिम है, प्लीज कह रही हूँ सर, इस चीज को समझ, प्लीज सर प्लीज, आक्रमण हुआ है, आप मुसलमान, यू कंटिन्यू आप यही चाह रहे थे ना देवेंद्र जी, यही चाह रहे थे आप, श्वेता जी बहुत अच्छी बात आज आपने कही कि पार्टियों के चेहरे सामने आ रहे, क्या बीज बोए जा रहे हैं, सर माफ कीजिएगा, ये स्थिति है सर, ये स्थिति है आज देश की दो बड़ी पार्टियां, और आप ही कह रहे थे, कोट कर रहे थे परविंदर सेठी को, उठ के जाना पड़ गया, कौन सुनना चाहेगा सर, कौन सुनना चाहेगा,
क्या जिम्मेदारी आपकी बनती है? जिम्मेदारी थी बीच वो मैंने उन्हें ना बात रखी। अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल अभी भी कर रहे हैं। नहीं देख रहा मैं तो अपनी पार्टी का। तो पार्टी का फैसला क्यों लेने के लिए, टीआरपी लेने के लिए बैठे हुए हैं सर? दूसरे गेस्ट भी बैठे हैं, मैं बोल दीजिए ना, इंदा से नहीं बुलाया करूंगी। मैं जा रही हूँ वहां डॉक्टर ऐश्वर्या के पास, आप सुन नहीं रहे, कंटिन्यू बीच में बोल रहे सर। ऐसे डिबेट चलेगी? ऐसे डिबेट चल के हम क्या करेंगे सर? प्लीज अभी भी आप कंटिन्यू। पार्टी कोट करती है, मैंने बीच में किसी विशेषज्ञ में नहीं किया, आप बुलाइए। सही बोल रहे विशेषज्ञ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो हमसे क्वेश्चन करने के हकदार है, लेकिन हम नहीं मानते कि कांग्रेस हमसे सवाल करने लाया। आज आप पूरा बोल लीजिए, जितना रट के आए हैं ना सर सब कुछ। नहीं रट के नहीं आया, मैं बोल रहा हूँ लेट द पीपल डिसाइड, लेट द छात्र डिसाइड, लेट द स्टूडेंट डिसाइड व्हाट यू पीपल आर डूइंग। पढ़कर नहीं बोलता, पढ़कर जो हालात होते हैं उसके अनुसार बात करता हूं। मन समझ लिया है अपना, मन समझ लिया है कि यहां से एक घंटे का भाषण देना है, फिर यहां से निकलना है और फिर जाके दूसरे चैनल पे भी मुझे यही भाषण देना है। सर एक बार सुन तो लीजिए, सुनवाइए, सुनवाइए, मैं तैयार हूं, कुछ सुनाए तो सही। डॉक्टर ऐश्वर्या भेज तो दिया सर एक गेस्ट को नाराज करके आपने, ये देखिए ये गेस्ट तो फिर मन जाएंगे अपनी डिबेट में भी आपके पास बहुत समय कम है। फिर यही बात अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है आपके पास, ये है ये तरीका होता है सर। टाइम खराब क्यों कर रहे हो, टाइम कम है, हम तो खुद जा रहे हैं। डॉक्टर ऐश्वर्या आप तक आवाज पहुंच रही है? मैम बताइए जी। डॉक्टर ऐश्वर्या माफ कीजिएगा, उस समय कुछ तकनीकी खराबी थी, लेकिन सवाल वही है, सुन रही होंगी शायद आप यहां से, देश की दो बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस बैठ के किस तरीके से कर झगड़ा कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। लेकिन जानना तो यह है कि जो भी यूनिवर्सिटीज के भीतर होता है, हम आज जेएनयू को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में देखने को मिला है कि छात्र राजनीति जो है अब वो स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया। क्या आप भी ये महसूस करती हैं? बिल्कुल, मैं इस बात को बिल्कुल महसूस करती हूँ कि पिछले एक महीने दो महीने से जो यूनिवर्सिटीज में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और ये 100% सही बात है। अदरवाइज स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आते हैं, आप वो बात सोचिए कि जो स्टूडेंट निर्दोष है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है, वो वहाँ क्यों बैठा मार खा रहा है, उसके पीछे क्या है? वो जो छात्र उनके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए हैं, और मैं तो कहती हूँ कि यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल होना ही नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एक शिक्षा के मंदिर होते हैं, वहां पर हम राजनीति करने लगते हैं। अरे उन माँ बाप को सोचिए जो अपने बच्चों को दूर दूर पढ़ने भेजते हैं, जेएनयू भेजते हैं, या आपकी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटीज भेजते हैं, कितना सोच समझ के भेजते होंगे कि वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं सोचती हैं कि ये जो छात्र निर्दोष है, जिनका इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है, वो क्यों वहाँ मार खा रहे हैं। अरे प्रशासन ने उस टाइम ऐसा कार्रवाई क्यों नहीं करी जब वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा था? क्यों पुलिस बाहर खड़ी रही, क्यों नहीं पुलिस अंदर गई? अरे वहाँ के लोकल लोग जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने क्यों नहीं रोका कि स्टूडेंट्स मार खा रहे हैं? लेकिन ये स्टूडेंट्स राजनीति में इन्वॉल्व क्यों जाते हैं? सवाल पूछ रहे हैं, ये स्टूडेंट्स राजनीति में इन्वॉल्व क्यों जाते हैं? उनकी विचारधारा इतनी राजनीतिक क्यों हो जाती है? वो स्टूडेंट कैंपस के अंदर तक क्यों नहीं रहना चाहते हैं? बताइए क्यों राजनीति में इन्वॉल्व हो जाते हैं? नहीं, 727 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, लेकिन 22 यूनिवर्सिटी के अंदर ही बवाल हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेडिकल प्रबंधन जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके अंदर इस तरह के छात्र संघ के चुनाव होते हैं ना, इस तरह के प्रदर्शन होते हैं, लेकिन इस तरह की यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्यों इस तरह की चीजें हो रही है? लिंग दो की कमेटी जो सुझाव दे क्यों लागू नहीं हुए? क्यों बताइए आप किसको? आपका प्रोफेसर है, क्यों आपने चुनाव नहीं होने दिया उस तरीके से जैसे लिंगों ने सिफारिश की थी? ये इस तरह के सवाल है जो आपके यूनिवर्सिटी के प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो राजनीतिक जो भी वहाँ पे स्थानीय राजनीति है उसके टच में ना जाएं, वो इस कैंपस तक अंदर तक रहे। पढ़ाई छोड़ सियासी जमीन तलाशने के चक्कर में पॉलिटिकल पार्टी ने बच्चों का जीवन दांव पर लगा दिया है, कौन जिम्मेदार है चीज का? स्टॉल्स लगाई जाती है, पर्टिकुलर पार्टीज को ज्वाइन करने के लिए स्टॉल लगाई जाती है, ये स्टूडेंट को बढ़ावा दिया जाता है। परमिशन कौन दे रहा है स्टॉल लगाने के लिए? परमिशन कौन दे रहा है बताइए ऐश्वर्य जी, परमिशन कौन दे रहा है स्टॉल लगाने के लिए? पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन के लिए परमिशन कौन दे रहा है? यही तो आप लोगों को रोकना है। तो कौन? प्रशासन रोकेगा ना? तो प्रशासन रोकेगा।
पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? ये प्रशासन पेयर का बिल्कुल प्रशासन डाउन जेएनयू, मैं तो प्रशासन बड़े बड़े गोल्ड स्कॉलर्स ने विश्वविद्यालय दिए और आप कह रही हैं वहाँ पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। अभी कुछ जैसे कि अभी हमने पिछले इतिहास देखा है छात्र आंदोलन का, अच्छे बच्चों का एडमिशन नहीं होता वहाँ पर, आप कह रही हैं कि वहाँ पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, ये जिस तरीके से संजीव जी ने भी बोला ये बात, क्योंकि मैं कोट कर रही हूँ, संजीव जी ने भी बोला और हरीश जी ने भी बोला कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं एक मिनट बोल लिया ना सर, ये समाधान है, कहती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, एक मिनट, ये समाधान है बरखा जी, ऐसे ठीक हो जाएगा, सवाल तो पूछ, सवाल पूछ लेने दीजिए जी, आप ही जवाब दीजिए मुझे, अरे तो मैं पूछ रही हूँ ना, लेट मी कंटिन्यू, बरखा बरखा प्लीज, आप क्यों इतना, आपको तो सम्मान है माननीय प्रधानमंत्री को नहीं है सर, एक गेस्ट जा चुके हैं उसके बावजूद, अजय जी मैं यही पूछ रही हूँ कि जिस तरीके से गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो पहले तो कुलपति से मांगा जाए ना, पहले तो प्रशासन से मांगा जाए कि आपकी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से कहां से ये एंट्री हो जाती, कहां से, मतलब कोई आपकी आपकी आपका रोल नहीं है, आपकी भूमिका नहीं है। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, अरे प्रशासन जो है सियासीकरण सिर्फ इसलिए है कि जिस तरीके से पीछे पहले जेपी आंदोलन हुआ था, मंडल कमीशन को जो आंदोलन हुआ था, जिसकी तरह से सरकारें चली गई थी, बदल गई थी, उसी तरीके से स्टूडेंट्स को भी उनका राजनीतिकरण करके एक तरह की हवा बनाई जा रही है, जिस तरह की सियासी फायदा उठाया जा सके। आप क्या करना चाहते हैं, आप अपनी सियासती सियासत के लिए या सियासी फायदे के लिए स्टूडेंट्स के जीवन को भविष्य को दांव पे मत लगाइए, आप वही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये मत कीजिए, होना क्या चाहिए, क्या समाधान हो सकता है? देखिए इसके इस नहीं नहीं शट डाउन नहीं है, देखिए इसके अंदर सीधी सीधी जो है प्रशासन की जो लापरवाही है उस पर जांच होगी, उस पर कार्रवाई होगी, तब निकल कर सामने आएगा। आप सीधे सीधे जो है गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, यानी कि आप सियासत कर रहे हैं, सियासत मत कीजिए, प्रशासन पर बात कीजिए, कुलपति पर बात कीजिए, वो क्या होगा वो जांच में निकल के सामने आ जाएगा, कौन लोग थे, कैसे लोग थे, किसने तोड़फोड़ की, और उन पर तो सब कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सहमत है इस बात से, आप इसे पूरी से मांग रहे हैं जी, उसके पीछे आपने अच्छा सवाल उठाया, एक देश की राजधानी, और उस राजधानी के अंदर अगर 50 लोग एक नकाबपोश बनकर के एक किसी विश्वविद्यालय पर आक्रमण करें, आक्रमण करें और वहां पर पुलिस प्रशासन, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किसी के घर में अगर कोई घुस जाता है तो सीधे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, गृह मंत्री की है, हिंसा रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, हिंसा रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, चाहे वो किसी भी पक्ष के द्वारा हो, समाधान हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी गृह मंत्री। पहली बात तो आज ये जरूरी जानना है कि समाधान क्या हो, वो विषय ये है कि जो इस ये घटना ही दूसरी जगह भी होने की संभावना बनती है, एमयू में बढ़ा दी गई है सर सुरक्षा बिल्कुल, और इसका मैसेज दूर तक जा रहा है, आप देख रहे हो टीवी पे कि क्या पूरे देश में दंगे भड़कने की स्थिति में है, ये हल्के में ना लिया जाए, इस पे सख्त कार्रवाई, कानून कड़े उठाए जाए, और उस पे जो प्रशासन की जिम्मेवारी थी उनको भी सख्त किया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी हो चाहे ज्यादा यूनिवर्सिटी हो, जहां भी ऐसी बातें हो रही है पूरा सख्त कानून बने, वहां पे पूरी सख्ताई की जाए, माँ बाप एक बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसा खर्च करते हैं, भविष्य देखते हैं। मैं यहां पे याद दिला दूं, आज देश के वित्त मंत्री, आज देश के विदेश मंत्री इसी संस्थान से पढ़े हुए हैं, इस संस्थान को समय के अनुसार बदनाम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही और पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही, वो नहीं होने जा रही, उससे बचना चाहिए, और सरकार की भी जिम्मेवारी है और विपक्ष भी समझे कि ऐसा ना हो कल तुम्हारे घर में इसके चीटे पहुंच जाए। बरखा समाधान आपकी नजर में, जेएनयू को शट डाउन करिए सर, अभी मेरे पास तो यही समाधान है, शट डाउन जेएनयू और उसके बाद सोचेंगे आपका कैसे यहां पर, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गण भारतवर्ष, हम नहीं ऐसे, हमें ऐसे नहीं चाहिए। प्रोफेसर आपको क्या समाधान नजर आता है?
देखिए जहां तक मुझे महसूस होता है कि तत्काल इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करें और गृह मंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आगे से ऐसी घटनाएं न घटित हों और जिन लोगों ने यहां पर दोष जिन लोग जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और अगर वो अक्षम महसूस कर रहे हैं खुद को कि वो दिल्ली के जो शासन व्यवस्था है उसको गृह मंत्रालय वो संभाल नहीं पा रहे तो इस्तीफा दे दें और ये जो गंदे लोग हैं जो कि बड़ी गहरी बात बताइए नहीं संजीव आ रही आपके पास लोगों को बंटवारा करने की जो बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लोगों को युवाओं को रोजगार दें युवाओं के भविष्य को करें अच्छी यूनिवर्सिटियां बनाएं अच्छे लोगों को शिक्षा दें अच्छे लोगों को पढ़ाएं लिखाएं शांति रखें इस देश में कुतर्क न फैलाएं इस तरह के कुतर्क देना के बंद कर दो इसको वो कर दो इसको ये ठीक नहीं है प्लीज क्लोजिंग कमेंट आपकी आपकी क्या मांग है प्रशासन से देखिए सबसे पहले तो जिन लोगों ने वहां पे घुस के ये उनके खिलाफ कार्रवाई में आप साथ देंगे अब ये बोलने ही नहीं देंगे एक घंटे तक ये बोले जा रहे हैं क्योंकि इनकी गवर्नमेंट है आप ही बोलते नहीं है हमें कुछ नहीं बोलना देखिए हम हाथ जोड़ते हैं हमें कुछ नहीं बोलना श्वेता जी हमें कुछ नहीं बोलना पर वासीन है उनका नाम ले दीजिए कुछ नहीं बोलना जहां इनकी सरकार है इनकी गुंडाई चल रही है इनको अपनी तमाम तमाम गेस्ट हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए मुझे बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि हमारे गेस्ट नाराज होकर चले गए और वजह दो देश की बड़ी पार्टियां भाई ये वजह तो भाई हर दिन यही देखने को आप लोगों का रूप मिलता है तो सही बात है सर अफसोस होता है क्योंकि अभी आप समझ नहीं रहे कि किस तरीके से हालांकि राजनीति है राजनीति में सब कुछ जरूरी है आप कर भी लेते हैं लेकिन ये जिस राजनीति को आप भड़का रहे हैं ना ये जब अपने आप पर आ जाएगी ना सर आप लोगों के लिए मुश्किल होगा छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए ये बात अजय जी ने जिस तरह से मालवीय जी की दोहराई ये वाकई में सच्ची बात है आप छात्र राजनीति का हिस्सा जरूर बनिए लेकिन वो कैंपस तक ही रहना चाहिए आंख कान खोल के इन पार्टियों को देख लीजिए जिन्हें आप अंधभक्त बन के फॉलो करते हैं कि भाई ये आपका भविष्य बना रहे हैं बिगाड़ रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीति चमकती रहेगी जब तक आप जैसे लोग अपना कंधा देते रहेंगे तो प्लीज इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं शो को यहीं समाप्त करूंगी कि आप अपने आंख कान खुले रखिए अपना कंधा इस्तेमाल ना होने दे राजनीति करे लेकिन कैंपस के भीतर ही हिंसा कभी भी छात्र राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकती नमस्कार थैंक यू सुनीता जी बहुत अच्छी डिबेट कलम की जगह आयरन रॉड कंप्यूटर की जगह लोहे के लाठी और रॉड ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जब बच्चे सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगा